नमस्कार आई एम डॉक्टर विंका काक ए कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट एट मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद सो आज मैं आपसे बात करूंगी थोड़ी एनेस्थीजिया अवेयरनेस के बारे में सो एनिस्थीजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स विच कैन इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ सडेशन एंड कॉन्शियसनेस तो हमें एनेस्थिजियोलॉजिस्ट या पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन कहा जाता है और हम लोग ये ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं ताकि सर्जिकल प्रोसीजर किए जा सके एंड द पेशेंट इज कंफर्टेबल ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर्स एनेस्थीजिया कई प्रकार का होता है लोकल एनेस्थीजिया रीजनल एनेस्थीजिया जिसमें कि स्पाइनल और एपिड्यूरल एनेस्थीजिया होता है और जनरल एनेस्थीजिया ये सब प्रकार के एनेस्थीजिया बहुत ही सेफ और इफेक्टिव होते हैं इन एनेस्थीजिया को देने में पूरी हिदायत बरती जाती है और पेशेंट की सेफ्टी को एकदम अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है तो एज वी ऑल नो दैट सर्जरी हैज मेड मेनी एडवांसिस ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड बहुत सर्जरी में एडवांस हुई है ओपन सर्जरी पहले होती थी अब लैप्रोस्कोपिक होती है की होल बटन होल रोबोटिक सर्जरी एडवांस्ड न्यूरो सर्जरी होती है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं एंड इवन ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं तो so, ये सब सर्जरीज इसीलिए पॉसिबल हो पा पाई हैं क्योंकि अब एनेस्थीजिया में भी रैपिड एडवांसमेंट हुई है ओवर द ईयर्स वी हैव बिन एबल टू कंडक्ट एनेस्थीजिया फॉर पेशेंट्स एज यंग एज अट बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिनको कभी कभी इमरजेंसी सर्जरी चाहिए पड़ती है तो उनका एनस्थीजिया और यहाँ तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के वजह से अभी सीनियर वेरी सीनियर पीपल आर कमिंग इन फॉर सर्जरीज एंड देव वेरियस को मोबिटीज़ कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ हार्ट डिजीज और बाकी भी मतलब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स की बहुत सारी इलनेसेज होती हैं बट समाइम्स दे ऑल्सो नीड सर्जरीज

क्लॉस्ट्रोफोबिक uh, होते हैं या फिर कैथलैब uh, में एनस्थिजियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है एंडोस्कोपी सूट में तो इन सब लोकेशंस में भी अब एनस्थिजियोलॉजिस्ट काम करते हैं और यहां पे काम करने के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं ये सब चैलेंजेस वी हैव बीन एबल टू ओवरकम एंड वी हैव बीन सक्सेसफुली एबल टू मॉनिटर पेशेंट केयर सेफ्टी एंड एडमिनिस्टर टू द पेशेंट्स इन एज वेल तो वी एट हेयर एट मनीपाल हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर

तो उसमें हम उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है एक मल्टी डिसप्लिनरी अप्रोच लेते हैं हम लोग अगर चाहिए पड़े तो हम बाकी जो क्लिनिशियंस होते हैं उनकी कंसल्टेशन करवा के पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं सर्जरी के लिए उसके बाद उसको एनिस्थीजिया प्लान एक्सप्लेन किया जाता है उसको एक्सप्लेन करके द बेस्ट पॉसिबल प्लान फॉर द पेशेंट उसको इन्फॉर्म किया जाता है और जो भी उनकी क्वेरीज होती है वो उनको एक्सप्लेन की जाती है एंड देन प्रॉपर कंसेंट इज टेकन एंड द पेशेंट इज आज टू कम फॉर सर्जरी इन दिस वे जो है हमारा कोई जो है अनप्लान्ड कैंसिलेशन नहीं होती सर्जरी की और वी गेट वेरी गुड रिजल्ट के बाद भी सर्जरी के दौरान और बाद पेशेंट की पूरी जिम्मेवारी हमारी होती है वी टेक केयर ऑफ द पेशेंट नॉट ओनली ड्यूरिंग सर्जरी बट आफ्टर सर्जरी द पोस्ट ऑपरेटिव केयर किसी को थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सेस चाहिए फिर पोस्ट ऑपरेटिव डेस्टिनेशन क्या है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट पेशेंट कुछ पेशेंट्स को हम डे केयर यूनिट्स में या सिंपल पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में रखा जाता है कुछ पेशेंट्स जो कि हाई रिस्क होते हैं दोज हू नीड मोर केयर दे आर इवन पोस्टेड इनटू द इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग तो कुछ पेशेंट्स दे नीड स्पेशल एक्सरसाइजेस सम नीड ब्रीदिंग इंसेंटिव पैरोमीटरी सम पेशेंट्स नीड फिजियोथेरापी केयर सम नीड एपिड्यूरल एनर्जीजिया सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर टेकन इन टू केयर एंड वी आर वी प्लान दैट एंड इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज द पेशेंट इज फुल्ली टेकन केयर ऑफ सो आपसे यही अनुरोध है कि जब भी कभी कोई सर्जरी प्लान हो तो प्लीज मेक श्योर दैट ऑल थिंग इज प्लान वेल इन एडवांस एज वी डू हेयर एंड दैट ओनली एंश्योर अ वेरी सेफ आउटकम ऑफ द सर्जरी नमस्कार